तैयारियां हो गई है। अच्छा वानी, तूने वो पेंसिल बना ली? ये ले मेरे। वाह मैं, ये पेंसिल तो एकदम ओरिजिनल लग रही है। अब हमें उस मोंटू से वो जादुई पेंसिल चुराने की कोई जरूरत नहीं। अरे टप्पर, इसमें कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, ये डुप्लीकेट है। अच्छा कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनो। हम मोंटू से कहेंगे कि मैजिकल पेंसिल की बैटरी खत्म हो गई है और उसे इस चार्जर से उसे चार्ज करना होगा। और फिर जैसे ही वो अपने मैजिकल पेंसिल को ट्रे में रखेगा, अंदर बैठा हुआ मानव उसे को खींचेगा और पेंसिल को निकाल लेगा और उसके बदले ये डुप्लीकेट पेंसिल वापस अंदर रख देगा और फिर उसे आगे धक्का मारेगा। फिर मोंटू उस डुप्लीकेट पेंसिल को असली समझ बैठेगा और हमारे पास ये ओरिजिनल पेंसिल आ जाएगी। मैं तेरा आइडिया तो एकदम सॉलिड है। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? तुझे क्या लगता है कि हम मोंटू को जाके बोलेंगे कि मैजिकल पेंसिल को इसमें चार्ज कर दे तो वो हमारी बात मानेगा? ये तो मुझे भी पता कि वो सीधे सीधे हमारी बात नहीं मानेगा। तो फिर हम उसे कैसे मनाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक दूसरा प्लान है। मानव नाटक मत करा, सुन। आप ठीक तो है ना? हाँ बालपुरी, हम ठीक हैं। बालपुरी, हम तो उनसे क्षमा मांग रहे थे, लेकिन अचानक बालवीर इतने क्रोधित हो गए और उन्होंने हम पर वार कर दिया। परियों, हमें तो लगता है कि भविष्य दर्शन यंत्र ने बिल्कुल सही कहा था। वही तो हम आपसे कह रहे हैं रानी परी, और खतरा अभी टला नहीं है। बालवीर फिर से हम पे वार करने वाला है। क्या? हाँ रानी परी, यही सत्य है। विज्ञान परी, आप भविष्य की झलक दिखाएंगे? जी। परियों, आज रानी परी के अंत के बाद आप सब परियों का भी अनिश्चित है। ये वाह, मेरा कार्य बालवीर ही कर देगा। बालपरी, ये सब क्या है? बालपरी, परियों, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें। रानी परी, अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो ये है कि हमें वीर का अंत करना होगा। बालपरी, बालपरी, ये आप क्या कह रही हैं? बालपरी, बालपरी, वाह, मारो कुल्हाड़ी अपने ही पैरों पे। यही तो चाहती हूँ मैं। एक बार बालवीर मेरे रास्ते से हट जाएगा तो तुम सबको तुम्हें चीटी की तरह मसल दूंगी। रानी परी, आप क्या सोच रही हैं? अब सोचने के लिए रहता ही क्या है रानी पर? बालवीर ने हमसे कहा कि अगर भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे तो हमें उस पर वार करने में संकोच नहीं करना है। हमारी और पृथ्वीलोक के बच्चों की रक्षा के लिए
हमें ये कठोर कदम उठाना ही होगा। हमें बालवीर का अंत करना ही होगा। हमें बालवीर का अंत करना होगा। ठीक है परी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं बालवीर का अंत करूंगी। मैं रोहित केवल, अब तो समझो कि वो पिद्दिस कंपटीशन से आउट है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। मैं मेरा प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट बनाऊंगा। मोंटू आ गया। मैं तुम्हें बताया नहीं कि ये मैजिकल पेंसिल खराब कब होगी? धीरे बोल, आजकल पेड़ पौधों को भी कान होते हैं। फिर भी मैं बता तो सही, ये मैजिकल पेंसिल खराब कब होगी? बस थोड़ी ही देर में मैजिकल पेंसिल की बैटरी खत्म हो जाएगी और वो बेकार हो जाएगी। वो तो मोंटू से चार्ज कर लेगा ना? हाँ। अरे पुकी, तू भी ना बुद्धू है एकदम। अरे वो एक मैजिकल पेंसिल है, थोड़ी ना कोई मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने का सिग्नल इंडिकेट करे। भी मैं थोड़ा भी इंडिकेशन होगा ना, या भी बैटरी खत्म होने तो इंडिकेशन मिलेगा। जरूर मिलेगा, लेकिन मोंटू को समझ ही नहीं आएगा। अच्छा बता, तुझे फर्स्ट इंडिकेशन पता है क्या है? नहीं बता? अच्छा बताती हूँ। फर्स्ट इंडिकेशन है कि अगर जिसके पास भी वो मैजिकल पेंसिल होगी और वो उसे चार्ज नहीं करेगा तो उसके ऊपर पानी के गुब्बारे फूटेंगे। फर्स्ट इंडिकेशन तो पता चल गया ना तेको? हाँ। दूसरा इंडिकेशन पता है क्या है? नहीं। नहीं पता है? अच्छा, दूसरा इंडिकेशन है कि अगर अभी भी वो पेंसिल को चार्ज नहीं करेगा तो उसके ऊपर गोल्डन फुटबॉल आएंगे। गोल्डन फुटबॉल? गोल्डन बॉल? गोल्डन फुटबॉल? अच्छा पुकी, ये दोनों तो कुछ भी नहीं, तुझे तीसरा इंडिकेशन पता है? नहीं। अच्छा ठीक है, वो भी बता देती हूँ। अगर अभी भी वो मैजिकल पेंसिल को चार्ज नहीं करेगा तो उसके पास एक मैसेज बॉक्स आएगा। मैसेज बॉक्स? हाँ। फिर उसे खोलते ही उसमें से पंचिंग ग्लव्स निकलेंगे। और फिर उस पंचिंग ग्लव्स के बाद उसके पास होगा एक लेटर। उसमें लिखा होगा कि अगर मुझे चार्ज नहीं किया तो मैं फूट जाऊंगी। धड़ाम। बॉस, इस मैजिकल पेंसिल का चार्जर ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो। चुपचाप सुनो क्या बोल रही है वो। अरे पुकी, मैंने तुझे तो बताया ही नहीं कि मैंने वो चार्जर गार्डन में छुपाया हुआ है ताकि मोंटू को वो चार्जर कभी ना मिले। हाय मैं, थैंक यू वेरी मच मैं, पेंसिल के चार्जर का पता बताने के लिए। तू यहाँ क्या कर रहा था? जासूसी। बेवकूफ पिद्दियो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये मैजिकल पेंसिल का चार्जर आ जाए। अरे ये पेंसिल काम क्यों नहीं कर रही है? बेवकूफ मैं नहीं, तू है मोंटू। चार्जर होगा तो आएगा ना। अरे मोंटू, उसका चार्जर तो है,
लेकिन इसकी बैटरी अभी वीक हो गई है और अब इसीलिए ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। फिर थोड़ी देर में फूट जाएगी। अरे क्यों बताया? बॉस जल्दी से गार्डन में भागो और इस पेंसिल का चार्जर ढूंढो, नहीं तो इतना बड़ा धमाका होगा कि हमारी बैंड बज जाएगी। वो पुरानी परी नहीं है माँ, वो भयंकर परी है, भयंकर परी है वो। चीखो बालवीर और चीखो, लेकिन तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाया। रानी परी देखिए, बालवीर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसने इस गुब्बारे के बंधन को तोड़ दिया तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी। जल्दी कीजिए रानी परी, आदेश दीजिए। जल्दी कीजिए रानी परी, कहीं ये भविष्यवाणी भी सच ना हो जाए। रानी परी आदेश दीजिए। ढूंढना चालू करो। किसी में तो मेरे से भी बड़े उल्लू है। और नहीं तो क्या, गार्डन के एकदम बीचों बीच एक अजीब सी चीज रखी हुई है, फिर भी इनको दिखता नहीं है। मोंटू बॉस लगता है यही इस पेंसिल का चार्जर होगा। पागल है क्या, ऐसे कैसे? पेंसिल देख कितनी छोटी है और चार्जर इतना बड़ा। अरे बॉस आपका शरीर इतना बड़ा है लेकिन नीमा कितना छोटा है ना। देखो ये ट्रे भी बाहर आ गया, अब तो यही चार्जर है। डाल दो इसमें पेंसिल। बस डालो। हाँ बस, अब तो ये ट्रे भी अंदर चला गया, अब तो पक्का यही चार्जर है। हाँ बस अब देखना ये पेंसिल 100% चार्ज हो गई बाहर आएगी। बॉस देखो पेंसिल चार्ज हो के बाहर आ गई। जाओ लो लो। हाँ बॉस। Thank you.
गलतियों के वजह से हमारी पेंसिल तो चार्ज हो गई। बॉस हम एक काम करते हैं, हम ये चार्जर भी अपने साथ लेकर चलते हैं। बॉस हम एक काम करते हैं, हम ये चार्जर भी अपने साथ लेकर चलते हैं। क्यों? अरे बॉस ये पेंसिल फिर से डिस्चार्ज हो गई तो फिर गुब्बारे फुटबॉल लेके चलते। चलो रोहित केवल बस करो, ये चार्जर को बाद में लेके जाएंगे, पहले कंपटीशन में चलो वरना हम हार जाएंगे। घर चले गए। अलविदा बालवीर, आज तुम्हारे साथ सच्चाई और अच्छाई का भी अंत हो जाएगा। रानी परी, समय व्यतीत मत कीजिए, आदेश कीजिए। लेकिन परियों, एक माँ अपने पुत्र के प्राण लेने का आदेश कैसे दे सकती? हम ऐसा नहीं कर सकते। रानी परी, आप पृथ्वी लोग के भी तो हजारों लाखों बच्चों की माँ है, उनके बारे में सोचिए और आदेश दीजिए। ठीक है पर हम आदेश देते हैं कि बालवीर पर बिजली की तरंगें छोड़कर बालवीर का अंत कर दिया जाए।